नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। इस वक्त मौजूद है सलेमपुर देवरिया में, जहां बिजली विभाग में उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के नेता 37 कामरेड अपने सहयोगियों के साथ आज एप्लीकेशन देने आए हैं एक्सियन के यहाँ। क्या मामला है, किस मामले को लेकर एप्लीकेशन दिए हैं और धरना भी दिए हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। नमस्कार। आप लोगों ने बिजली स्कीम के धरना दिया है, क्या मामला है? जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्यव्यापी अभियान के तहत आज हम लोगों ने धरना दिया आपके शासी अभियंता सलेमपुर के कार्यालय के समक्ष। प्रमुख हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का निजीकरण रोका जाए, और जो किसान मजदूरों की भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था चुनाव घोषणा पत्र में, यदि हमारी सरकार बनती है तो हम सभी लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश के किसान मजदूरों को बिजली फ्री में नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए आज धरना दिया है। और इसी के साथ जो बिजली विभाग में रिक्त पद पड़े हुए हैं, यहाँ पे जो संविदा कर्मी है, आउटसोर्सेज जो कर्मचारी हैं, उनको अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाए, और पूरे प्रदेश के अंदर बिजली विभाग में जितने भी पद खाली पड़े हैं उसको अस्थायी रूप से भरा जाए। इन सवालों को लेकर के आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया है। और क्षेत्रीय जो प्रमुख सवाल है, तमाम गांवों में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और वह नियमानुसार बदला नहीं जाता, एक एक हफ्ते दो दो हफ्ते समय लग जाते हैं। सलेमपुर क्षेत्र के अंदर जो जर्जर तार है, तमाम गांवों में पोल गिर चुके हैं और वह पोल टूट जाने के कारण तमाम बस्तियों में लाइन सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए उन पोलों को तत्काल बदला जाए, जो टूटे हुए पोल हैं उनके जगह पर दूसरे पोल गाड़े जाएँ, और जिस इलाकों में जर्जर और तारे नज़दीक हो गई हैं उनको तत्काल खींचा जाए और उसको दुरुस्त किया जाए। ये सब क्षेत्रीय सवालों को लेकर के आज हम लोगों ने एक ज्ञापन यहाँ के SDO को दिया और उन्होंने कहा कि हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने यह कहा कि जो आपकी मांगे हैं, प्रमुख रूप से हमारी जो डिमांड थी उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी से संबंधित था, तो उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे, और जो हमारे स्तर का जो सवाल है, जो ट्रांसफार्मर बदलने का सवाल है, टूटे तार का सवाल है, जो टूटे पोल हैं उनको बदलने का काम है, इसको मैं प्राथमिकता के आधार पर करा दूँगा, और जो निश्चित ही हमारे स्तर का काम है उसको 2 से 3 दिनों के अंदर इसको दिखवा करके हम समाधान करेंगे। इसके और भी जो प्रमुख मांग है कि जो तमाम प्रदेश के अंदर जो लाइनमैन संविदा पर कार्यरत रहते हैं, आप देखते भी हैं कि दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, वह फॉल्ट करते समय अचानक लाइन आ जाती है और वह पोल से नीचे गिर करके मर जाते हैं, उनको कोई सरकार के द्वारा सहायता नहीं दिया जाता, या अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता या मुख्य अभियंता तक के कार्यालय तक वह चक्कर लगाता है परिवार, और उसको कुछ आर्थिक सहायता नहीं मिलती। इसलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी ने यह कहा है कि जितने संविदा कार्यरत कर्मचारी हैं, यदि आकस्मिक उनकी मौत होती है या दुर्घटना पर मौत होती है, तो प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपया दिया जाए और उसके एक परिवार के सदस्य को स्थायी नियुक्ति दिया जाए। ये सब प्रमुखता के सवाल पर हम लोगों ने रख करके इस सवाल को आज धरना दिया है। बिजली बिल हाफ करने का है। यदि बिजली बिल के अंदर जो भी आप देखते हैं कि उसके अतिरिक्त जो चार्ज है उसको यदि ख़त्म कर दिया जाए तो सारे लोगों का बिजली बिल हाफ हो जाएगा, और जो हाफ के अंदर भी जो त्रुटियाँ हैं, जो कमियाँ हैं बिजली बिल के अंदर, भेजते समय रीडिंग करते समय या कमजोरियां आ रही हैं, देखने को मिलता है कि 5,000 के जगह पर 50,000 का बिल जा रहा है, 1,000 के जगह पर 10,000 का बिल जा रहा है, 120 रुपया के जगह पर 1,200 का बिल जा रहा है, और पिछले दिनें तमाम गांवों के अंदर जो गरीब बस्तियों में निःशुल्क कनेक्शन दिया गया है बिजली और पंखा जलाने के लिए, उनके अंदर उन गाँव में जाके देखा जाए तो आज उनका बिल 50-60 हज़ार हो चुका है। वह सारे गरीब और कमज़ोर लोग हैं जिनके घरों में मात्र एक और पंखा चलता है, इसलिए ऐसे लोगों की प्रदेश में जांच करा करके जो भी फर्जी तरीके से बिल भेजा गया उसको निरस्त किया जाए, और निःशुल्क बिजली योजना के तहत सारे गरीब लोगों को कनेक्शन दिया जाए और जो भी वह बिल है उसको माफ किया जाए। इस सवाल को लेकर के हम प्रदेश व्यापी धरना के तहत आज सलेमपुर में भी अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में धरना देने का काम किया गया। अपना परिचय बताएं। सतीश कुमार, उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी सदस्य, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। मुख्यमंत्री को भेजते हैं और इसकी सारी डिमांड मुख्य रूप से है, और कुछ लोकल सवाल है।
ये लोकल वाले पर ही आपको थोड़ा कसरत करना पड़ेगा। ये सब आपके लिए जो आपका है और आपसे दिया हुआ सवाल है, इसमें जो आप लोग आंदोलन पिछले दिन किए थे, जो आपका उत्पीड़न हो रहा है, निजीकरण किया जाए, आप लोगों को पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, जो आपके लाइनमैन मर रहे हैं उनके परिवार को 10 लाख रुपया दिया जाए, परमानेंट के लोग हैं, अब यहाँ पे जो खेल चल रहा था, जो आपके पुराने बिजली कर लीजिए, करंट बंद करो, चौकी मौकी शर्म करो। Thank you.